कोरोना वायरस का कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खुद को संक्रमित लोगों से दूर रखना। हालांकि डॉक्टर दिन रात कोरोना की दवा, वैक्सीन या उपचार खोजने में जुटे हुए हैं। फिलहाल कुछ देशों में कोरोना के मरीजों का इलाज एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाइयों के साथ किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को काफी प्रभावी माना गया है और भारत सहित कई देशों में इस उपचार को अपनाया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से सही हुए मरीज के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है, जिसे पीड़ित व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सही हुए मरीज में एंटीबॉडी विकसित होती है, जिनके जरिए पीड़ित व्यक्ति को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, इसे कैसे किया जाता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या और इसके जरिए कैसे मरीजों को ठीक किया जा सकता है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। कोरोना के मरीजों पर इसके प्रभाव को देखते हुए कई राज्य सरकार ने सही हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की मांग की है, ताकि दूसरे मरीजों का इलाज किया जा सके। जो व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुका है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। जब इसे कोरोना से जूझ रहे मरीज को चढ़ाया जाता है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। एंटीबॉडी ऐसी प्रोटीन होती है जो इस वायरस को डिस्ट्रॉय या खत्म कर सकते हैं। वो एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा के जरिए किसी मरीज को चढ़ाए, तो वो एंटीबॉडी कोरोना पीड़ित मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को मार सकती है। प्लाज्मा संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से अलग कर निकाला जाता है। एक बार में एक संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर में 400 ml प्लाज्मा निकाला जा सकता है। इस 400 ml प्लाज्मा को दो संक्रमित मरीजों को दिया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है कि ये एक प्रोमिनेंट थेरेपी है, जिसका फायदा भी हुआ है और कई वायरल संक्रमण में इसका इस्तेमाल भी हुआ है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।